डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह बेदी है और मैं रियाद बारा कॉलेज हुशियारपुर के करियर काउंसलर तौर पर काम करता पाया। और असी वक् वक् वीडियोज़ के थ्रू असी जानकारी बच्चों को देने कि तुसी केड़े कोर्स जिहड़े आ प्लस टू तो बाद कर सकते हो। सो ऐसी सीरीज़ के विच तुहानू एक नवे कोर्स का इंट्रोड्यूस करना चाहना जिहदा नाँ है BSc MLS। सो BSc MLS की तो आप गल करते हैं तो भाव बनता है मेडिकल लैब साइंस। सो यदि ग्रेजुएशन दे इक्विवेलेंट डिग्री मनी जाती है। इस डिग्री की करन तो बाद तुसी अपनी एज ए लैब टेक्नीशियन के तौर पर जॉब भी कर सकते हो तो अपना काम भी खोल सकते हो, अपनी मेडिकल लैब खोल सकते हो। ये प्राइवेट के नाल नाल गवर्नमेंट जॉब भी निकल दिया है, तुसी उन्हां जॉब्स उत्ते अप्लाई करके अपना वधिया फ्यूचर बना सकते हो। तो जे आप गल करिए होर जिहड़े प्रोफाइल ने क्रिएट होंगे आ, एक ये तुहाडा जिहड़ा लैब एनालिस्ट की जॉब होंदी है, तो लैब एनालिस्ट जिहड़े हैगे आ वह अपने ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, जिन्हें भी असी टेस्ट करते हैं पेशेंट्स के उन्हों का जो भी रिकॉर्ड बनता है तो उन्होंने वह ग्राफिकल एनालिसिस थ्रू रिसर्च वास्ते भेज सकते हैं। तो जो रिसर्च करते हैं मेडिसिन की उन्होंने वास्ते ये चीज़ा यूज होंदिया है। इस दे नाल तुसी अपना लैब ट्यूटर के तौर पर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक लैब मैनेजर की पोस्ट निकलती है, सो उस पोस्ट के एज ए मैनेजर तुसी सारी लैब नू हैंडल कर सकते हो। तुहाडे अंडर इंपलॉइज जो काम करनगे तुसी उन्हां दा सारा कंप्लीट डाटा मेनटेन करना कि वो किस बंदे ने किहड़ा टेस्ट करना, किहड़े कैमिकल यूज करने और कित्थे उहदी ड्यूटी असाइन होनी है। सो जिन्ना भी लैब दा दारोमदार हैगा वो सारा लैब मैनेजर के उत्ते डिपेंड करता जी। ये जॉब जी गवर्नमेंट से भी निकलती और प्राइवेट से भी निकलती है। सो इस अलावा एक लैब सुपरवाइजर होता जी। लैब सुपरवाइजर मतलब की है कि तुसी सुपरविजन करनी है कि जो भी लैबोरेटरी के कामकार हो रहे हैं वो प्रॉपर मेनटेन होंगे पे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड जो है मेनटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये सारे जो मैं तुम्हें हैड्स दिते ने जिन्हों के तहत तुसी अपना करियर परस्यू कर सकते हो बेटा। ये प्राइवेट ते तुहाडा जिहड़ा गवर्नमेंट सैक्टर आ दोनों विच ही जॉब्स मिल सकदियां ने। सो इस तो इलावा तुसी एजुकेशन नूं अगे परस्यू करना चाहुंदे हो तो तुसी MSc भी कर सकते हो, उस तो बाद तुसी PhD भी कर सकते हो तो रिसर्च लैवल तक भी जा सकते हो तुसी। सो इहदे विच रिसर्च का भी बहुत वड्डा स्कोप बन सकता। सो नटशेल दे विच मैं कहां MLS एक कंप्लीट डिग्री आ जिहदे विच कंप्लीट करियर तुहाडा शेप हो सकता। और ये वास्ते जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सानू प्लस टू मेडिकल और नॉन मेडिकल ये दोनों बच्चे इस केस नू परस्यू कर सकते हैं। तो कई बार की होंगे असी ट्रेडिशनल कोर्सेज विच फस के रह जाने कि असी जे मेडिकल पढ़िया या असी नॉन मेडिकल पढ़िया तो सिर्फ असी उही कोर्स करने जिहड़ा बारे सानू जानकारी हैगी है। तो असी कुछ इदा के कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं जिहदे विच सानू जानकारी अजे नहीं, जिस तरह मैं तुहानू अज BSc मेडिकल लैब साइंस बारे जानकारी दित्ती है। सो इस जानकारी नूं तुसी अपना करियर के तौर पर निभा सकते हो। सो जेकर तुसी इस कोर्स बारे होर वधेरे जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के उत्ते कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।